आईपीएल सीजन 2022 का समापन हो चुका है। सीजन में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब अपने नाम किया। वहीं बात करें खिलाड़ियों की तो कुछ स्टार खिलाड़ी इस सीज़न फ्लॉप हो गए, उनका प्रदर्शन बिल्कुल ख़राब रहा। लेकिन कुछ डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बात करें सबसे पहले रजत पाटीदार की, तो बेंगलुरु टीम का हिस्सा रहे रजत पाटीदार ने केवल 8 मैच खेले और उन्होंने 7 पारियों में 333 रन बनाए। वहीं रजत पाटीदार ने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 2 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया। उनके शतक की बदौलत टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में जीत हासिल की। इसके अलावा बात करें मोहसिन खान की, लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे मोहसिन खान ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 मैच की 9 पारियों में 14 विकेट चटकाए। उनके इकनॉमी की बात करें तो उनका इकनॉमी मात्र 5.97 का रहा। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 1 फोर विकेट होल भी लिया। मोहसिन खान के प्रदर्शन की बदौलत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने मोहसिन खान को भारतीय टीम का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की। वहीं बात करें लखनऊ के दूसरे खिलाड़ी आयुष बदोनी की, तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। लखनऊ ने उन्हें 13 मैच में मौका दिया और उन्होंने अपने बल्ले से 161 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटकाए। बात करें मोहसिन खान के बल्लेबाजी की, तो उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया और टीम को कई अहम मैचेस में फिनिशर के तौर पर भूमिका निभाते हुए जीत दिलाई। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मुकेश चौधरी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 16 विकेट चटकाए। महेंद्र सिंह धोनी के पसंदीदा खिलाड़ी के तौर पर मुकेश चौधरी आईपीएल में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। बात करें एमएस धोनी की, तो मुकेश चौधरी को कई बार ऑन फील्ड वह समझाते हुए नजर आए और मुकेश चौधरी ने इसी दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 16 विकेट चटकाए और उनका इकनॉमी 9.32 का रहा। साथ ही आईपीएल में उन्होंने 1 फोर विकेट हॉल भी लिया। इसके अलावा चारों खिलाड़ियों की बात करें तो आईपीएल के मेगा ऑक्शन में उनकी फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों पर केवल 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन खिलाड़ियों ने 20 लाख की बदौलत कई करोड़ों का काम किया जो कि कई दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। आपकी क्या राय इन खिलाड़ियों को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।